नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने डकैत जगन गुर्जर के मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। पंजाब में जब आतंकवाद हावी था तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एनकाउंटर भी हुए थे उस समय पंजाब में, और अगर एनकाउंटर नहीं करके और आपको खाली वही भाषा आप पढ़ाते उनको कि अपना तो इसके हिसाब से उनको सही मार्ग पर लाना, तो कानून का भय जब तक इन डाकुओं पर अपराध जो आतंकवाद जो नहीं होगा तब तक ये सीधे रिश्ते नहीं चलेंगे। मैंने तो ये भी मांग की थी कि जो रेप की घटनाएं देश के अंदर बढ़ रही है, अबोध बालक बालिकाओं के जो रोज़ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम चिंतित रहते हैं कि बच्चा स्कूल से वापस आया कि नहीं, छोटी बेटी, तो ऐसे पापी जो अपराधी है उनके खिलाफ कानून, तो मैंने तो सर्वदलीय बैठक के अंदर प्रधानमंत्री जी के सामने मांग उठाई। मैंने कहा ऐसे लोगों के अपीली अधिकार खत्म करने चाहिए, एक महीने के अंदर उनको फांसी मिले और सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं कर सके।